अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत लुकमान किसी रईस के ग़ुलाम थे और इसकी बहुत खिदमत किया करते थे। ये रईस इनकी खिदमत गुजारी, दानाई और ईमानदारी से बहुत मुतासर था। इनको बहुत इज़्ज़त देता और बहुत प्यार करता था। ताजर का मामूल था कि जब भी दस्तरखान पर बैठता तो हज़रत लुकमान को भी अपने साथ बिठाता और अपने हाथ से खाना पेश करता। एक दिन रईस ने कहीं से खरबूजा मंगवाया और अपने हाथ से एक काश काट कर हज़रत को पेश की। हज़रत ने वो काश खाई तो रईस ने पूछा कि कैसा है। हज़रत ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। आपकी दी हुई हर चीज़ फीकी कैसे हो सकती है? रईस बहुत खुश हुआ और एक और काश काट कर आपकी खिदमत में पेश की। आपने वो भी नोश फरमा ली। इसी तरह रईस काशें काटता रहा और आपकी खिदमत में पेश करता रहा और आप खाते रहे और तारीफ़ करते रहे। जब आखिरी काश बची तो रईस के दिल में आया कि इतना मीठा खरबूजा मुझे भी चखना चाहिए। जैसे ही उसने काश मुंह में रखी फौरन थूक दी। खरबूजा तो इंतहाई कड़वा था। रईस बड़ा हैरान हुआ और इसने हज़रत लुकमान से पूछा कि हैरत है, आप इतना कड़वा खरबूजा मीठा कहकर खाते रहे, क्या वजह थी कि तुमने मुझे बताया नहीं? हज़रत लुकमान ने सर झुका लिया और आहिस्ता आवाज़ में बोले, आका, मैंने आपके हाथों से दुनिया की शानदार नेमतें खाई हैं। ये पहली नेमत थी जो ज़रा सी कड़वी थी। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि एक ऐसे शख्स से शिकायत करूं जिसने हमेशा मुझे पहले खिलाया और बहुत अच्छा खिलाया। आका, मैं आपके मेहरबान हाथों से जहर तक खा सकता हूँ, तो ये कड़वा खरबूजा क्या चीज़ है? ये सुनकर रईस की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी ये वाक़या सोच कर रोना आ जाता है कि हम ज़रा सी तकलीफ़ पर अल्लाह से शिकवा कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं सोचा कि इस मालिक की हज़ार हाँ नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा, पानी, रोशनी, फल, ग़िज़ा और इनके अलावा कितनी नेमतें हैं जो मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी ज़रा सी तकलीफ़ आ जाए, मुशक्क़त आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई महरूमी आ जाए, तो फौरन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गैरत का तकाजा तो यही है ना कि जिस मालिक की इतनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, इसकी तरफ से आने वाली थोड़ी सी मुसीबत भी नाशुक्री मत करें और हाल हालत में इसका शुक्र अदा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल नायाब मोती को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।